आज एक बहुत बड़े संगीतकार, वीर रस के गायक, वीर रस में ख्याति प्राप्त है इन्हें, जो उत्तर प्रदेश में निवासरत हैं, जिन्हें लोग देशों में ही अपितु विदेशों में भी लोग सुनते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी में ये हमेशा छाए हुए रहते हैं। हम बहुत अच्छा ये संगीत प्रस्तुत करते हैं, लोग इनके कायल हैं इनके गीत के। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच आज मौजूद है जिनका नाम है अमर रघुवंशी जी। अमर रघुवंशी जी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के महादेव घाट स्थित गंगा महाआरती में आज शामिल हुए। आज हमारा सौभाग्य कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी भाइयों से मुलाकात हुई। और मैं गंगा आरती तो वाराणसी में देखता था दशाश्वमेध घाट पे, लेकिन यहाँ पे भी महादेव घाट पे इतना सुंदर दिव्य आरती देखने का मुझे भी सौभाग्य मिला और बहुत ही प्यार मिला। यहाँ के लोग मुझे बहुत ही प्यार दुलार देते हैं। मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी भाई बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशल धन्यवाद दूंगा मेरे बड़े भैया वीरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन में मुझे सम्मिलित किया। जी, लोग आपको तो जानते ही हैं, आप पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन आज आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ चीज़ें हैं जो रहस्यमयी हैं, जैसे आप कहाँ से हैं, प्रॉपर बेसिकली आप कहाँ से हैं, ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी दिल्ली में दिखते हैं, कभी मुंबई में दिखते हैं, कभी कलकत्ता में दिखते हैं, कभी अभी आप छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि आप हैं कहाँ से, आपने संगीत की शुरुआत कब से की। मेरा घर एक्चुअली उत्तर प्रदेश जौनपुर में है और मैं गाना तो बचपन से ही गाता था, जब मैं 6-7 साल का था। और 2008 में मैं मुंबई गया अपनी रोजी रोटी में, और इसको प्रॉपर तरीके से मैं 2012 के बाद मैं इसको अपना करियर बनाया। और आप सभी के आशीर्वाद से मेरा महाराणा प्रताप गीत, जय हो राजपुताना, शेर हिंदुस्तान राजा भैया, कर्डी सेना के ललकार, हिंदू और आहिनी, तमाम मैंने गीत गाया जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। और अयोध्या में गाना मेरा बहुत ही अच्छा चलता है, अयोध्या में बाजे बधैया हो। तो कोशिश यही होती है कि मैं जो भी गीत गाऊं लोगों को एक अच्छा संदेश जाए और लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार मुझे मिलता रहे। अभी अभी क्या कुछ नया आप लेकर आ रहे हैं क्या, कुछ नया संगीत? अभी कि आप हमेशा खोज करते रहते हैं कुछ नई चीज़ें। अभी एक रिसेंटली भ्रूण हत्या पे मैंने गाना गाया है और गाना बन चुका है, अभी शूटिंग उसकी बाकी है। तो जल्दी इस महीने के लास्ट में आपको भ्रूण हत्या पे एक बेटी बचाओ पे एक गीत मैं गा रहा हूँ। एक गीत मेरा राजपुताना आ रहा है, हल्दी घाटी की मिट्टी, कि हल्दी घाटी की मिट्टी में क्या क्या घटना हुआ था, हल्दी घाटी की मिट्टी ने क्या क्या देखा है, उसको भी मैं, हमारे आदरणीय चाचा जी हैं विमल बावरा जी और मृत्युंजय सिंह सिप्पी जी मित्र हैं, उन्होंने लिखा है। और एक गाना मैं कर्डी सेना पे भी कर रहा हूँ, और एक गाना और आ रहा है राजपुताना छोरे, कई सारे गाने लाइनअप हैं जो जल्दी से आप लोगों को मिलेगा सुनने के लिए, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे वैसे मिलना चाहिए। ये राजनीति में किस तरह की रुचि है आपकी? फिलहाल राजनीति में कोई रुचि नहीं है, जो हमारे देश के लिए काम करे, जो हमारे सनातन के लिए काम करे, मेरा दिल जो है उसी के साथ में है, मेरा किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं एक देश का आप कहीं कहीं मनोज तिवारी तो नहीं बन जाएंगे आने वाले समय में, चूंकि मनोज तिवारी जी ने भी संगीत की दुनिया से महारत हासिल की, उसके बाद आज वो लोकसभा में है सांसद। नहीं, मुझे ना मनोज तिवारी जी बनना है ना रवि किशन जी बनना है, मुझे बस इतना बनना है कि मुझे अपने दिल, अपने चाहने वाले जितने भी हमारे मित्र, भाई, रिश्तेदार, जो भी लोग चाहते हैं मुझे, उनके दिल में मैं जगह बना पाऊँ। मुझे बहुत बड़ा संगीतकार नहीं बनना है ना बहुत बड़ा नेता बनना है, बस मुझे इतना बनना है कि मैं लोगों के दिल में हमेशा बसता रहूं और लोग मुझे अपने बेटे और भाई की तरह प्यार करते रहें। जी, संगीत की दुनिया में आप, हर आदमी का एक गुरु होता है हर फील्ड में, आप संगीत के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में आपके गुरु कौन थे, कौन है आपके? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरी गुरु मेरी माँ है, जिन्होंने बचपन से ही मुझे एक उत्साह दिया कि नहीं तुम कुछ अच्छा करो, और वो भी थोड़ा बहुत गाती हैं। तो पहला तो गुरु वो मिली, और उसके बाद से लाला सागर एक गांव के हमारे गुरु थे, वो हमारे पे उनका हाथ रहा। फिर उसके बाद मुंबई में हमारे आदरणीय गुरु जी के संतोष राय जी हैं। तो तमाम गुरुओं की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं जहाँ भी सीखता हूँ उसको मैं गुरु मानता हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मुझे, मेरा ये रहता है कि जहाँ से भी जो चीज़ मिल रहा है वो गुरु समान है और मुझे, मैं सीखता रहता हूँ।
जी एक सवाल और है जो दर्शक जानना चाहते हैं, जब आप बाल थे, बाल सखा थे, जब बाल रूपी थे, तो उस समय के आपके कोई मित्र हैं, कोई सखा हो जो जिन्हें आप बहुत याद करते हैं, चूंकि आप हमेशा बाहर रहते हैं, तो ऐसा कोई मित्र हो? गांव से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में भले, लेकिन हर एक दो महीने पे मैं गांव जाता रहता हूँ। और गांव के हमारे बहुत अच्छे मित्र मनोज मिश्रा हैं, विनोद हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो बचपन के हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे जुड़ा रहता हूं और सबका प्यार दुलार मिलता रहता है। जी अमर रघुवंशी जी कहां तक जाना चाहते हैं संगीत की दुनिया में? क्योंकि आप संगीत की दुनिया में एक नाम है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी उड़ान कहाँ तक है? क्या है आपका टारगेट, क्या है आपका लक्ष्य? मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा आदमी बनने का नहीं है, न बहुत छाने का है, बस मेरा एक ही लक्ष्य समझ लीजिए, चाहे एम्बिशन समझ लीजिए, कि जो मैं आज कर रहा हूँ कल उससे बेहतर करूँ, परसों उससे बेहतर करूँ, कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर गर्व हो कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश किया और अपने परिवार को एक उदाहरण देकर गया। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी बड़ा सपना नहीं है। क्योंकि काशी विश्वनाथ के आप काफी फैन है? हाँ, वही से हूँ भी। जी 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 आप हाँ। काफी फैन है, हमने सुना था भी था, देखा भी था, तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ छत्तीसगढ़ के भक्तों को? बस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काशी विश्वनाथ आदरणीय मोदी जी ने बना दिया है और वहाँ के भक्तों को बहुत ही अच्छा मेला लगता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर के सभी लोगों से चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ, दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड और जितनी भी वहाँ पे प्राचीन मंदिरें हैं, जरूर एक बार जाइए, इसलिए कि वहाँ एक बार जो चला जाता है वो काशी का हो जाता है। और जिसके दिल में बसे है काशी, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाबू हमारे पैर वाले बड़े अच्छे कलाकार हो, वही लगा लगा 2-4 रहेगा। और जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा मीठे मीठे तालियों से रिंग 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 We'll be right back.
हाय नमस्कार प्रणाम जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा न्यूज़, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो सच को सामने लाता है। सीजी प्राइम न्यूज़ जो अपने आप में एक ब्रांड है, तो मैं सभी से चाहूँगा कि अगर सच का साथ देना है तो सीजी प्राइम न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें और इनकी बातों को पूरी दुनिया में पहुँचाएँ। और आप सभी लोग का सपोर्ट, सहयोग, आशीर्वाद सीजी प्राइम न्यूज़ को जरूर बने। धन्यवाद, थैंक यू।